वन सेकेंड, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, कंपोनेंट्स ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड वेयर वी हैव बीन डिस्कस्ड दैट देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, सोर्स ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज MALDI-SI, नंबर टू एनालाइजर, नंबर थ्री डिटेक्टर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो इग्निशन के टूल्स हैं, आयनाइजेशन के टूल्स हैं जो कि बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सैंपल को जो है वो वोलेटाइज करने में, गैसियस फॉर्म में बदलने में या आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो हमारे पास दो टूल्स हैं, नंबर वन MALDI, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉल्यूशन आयनाइजेशन। सो इट इज द टेक्निक, इट इज द टूल्स और टेक्निक यूज फॉर द सॉलिड सैंपल। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो MALDI जो टूल्स है जो कि यूज करते हैं हम लोग, ये सॉलिड सैंपल के लिए हम लोग यूज करते हैं। और अब इसका नाम मैट्रिक्स असिस्टेड क्यों है, तो यहाँ पे हम एक सॉलिड मैट्रिक्स लेते हैं, सिलिकॉन या किसी और जेल का बना हुआ सॉलिड मैट्रिक्स लेते हैं। दैट्स वाई इसी सॉलिड मैट्रिक्स पर जो है जिस सैंपल की स्टडी हमें करनी होती है उस सैंपल को हम इस सॉलिड मैट्रिक्स पे असिस्ट करते हैं। तो ये जो सॉलिड मैट्रिक्स है उस सैंपल पे अटैच होता है, इसलिए इसको हम लोग मैट्रिक्स असिस्टेड बोलते हैं। दैट मीन सैंपल्स आर असिस्टेड ओवर द सॉलिड मैट्रिक्स, दैट्स वाई द टेक्निक इज मैट्रिक्स असिस्टेड। एंड नाउ इट इज कॉल्ड लेजर। व्हाई इट इज कॉल्ड लेजर, बिकॉज हियर ए बीम ऑफ लेजर लाइट इज यूज। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये एक लेजर लाइट है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। इस लेजर लाइट के एक बीम का जो है हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इस सैंपल अट्रैक्ट सैंपल असिस्टेड सॉलिड मैट्रिक्स पे, यानी उस सैंपल पे जो सैंपल सॉलिड मैट्रिक्स पे असिस्ट है। जब हम यहाँ लेजर लाइट जो है यूज करते हैं तो ये लेजर लाइट जो है इस सॉलिड सैंपल को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वोलेटाइल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसके ऊपर ये आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में हम इजी गोइंग में किसी भी सॉलिड सैंपल को गैसियस आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय आफ्टर द कंडेंसेशन बाय द लेजर लाइट। एंड दैट्स व्हाई द टेक्निक इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉल्यूशन आयनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे डिसॉल्यूशन हो रहा है। ये जो सैंपल्स है ये लेजर लाइट की सहायता से डिसॉल्यूशन कर रही है इस सॉलिड मैट्रिक्स के ऊपर। दैट्स व्हाई द टेक्निक इज मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉल्यूशन। एंड आफ्टर डिसॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सैंपल इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इन टू द आयनिक फॉर्म, वेपराइज्ड फॉर्म। दैट्स व्हाई इट इज कंबाइंड कॉल्ड एज मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉल्यूशन आयनाइजेशन। So it is very simple techniques and basically used for the solid molecules, but having the some limitations. इसकी limitation ये है कि ये जो MALDI technique है ये number of ions उतना ज़्यादा produce नहीं कर पाता जितना कि आपका ESI